100 पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह से इस्तीफा दे चुके हैं और ये सिलसिला कितना लंबा चलने वाला है खुद ओपी राजभर नहीं जानते। निकाय चुनाव से पहले सुबह में बड़ी टूट से ओपी राजभर बौखलाए हुए हैं और वो टूट का पूरा ठीकरा अखिलेश यादव के सिर पर फोड़ रहे हैं। इधर जब से हमारा पंगा हुआ है समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए बड़ी कोशिश की, सफलता नहीं मिली तो कुछ हमारे नेताओं को पकड़ा है, अपने नवरत्नों को लगाया है। अच्छे नहीं उखाड़ेंगे, ये खुदा टूट जा रहे हैं। देखिएगा ना 24 के चुनाव में इनका औकात पता लग जाए। बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का दावा करने वाले ओपी राजभर सुभाषपा में पड़ी टूट के लिए अखिलेश यादव और उनके नौ रत्नों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी के इशारे पर भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए ये लोग षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये ओम प्रकाश राजभर हनुमान जी का वंशज है। महेंद्र राजभर के इस्तीफे के बाद शुक्रवार को भी 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने सुभाषपा से किनारा कर लिया है। सभी कार्यकर्ताओं का एक ही आरोप है, उन्हें दरकिनार कर माफिया मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया जा रहा है। ट्रेन में मुसलमान न चलें, बताओ। ट्रेन में मुसलमान न चलें, सिख ईसाई जैन न चलें, कौन चलेगा? ओपी राजभर पर मुख्तार को शय के अलावा विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि इन आरोपों पर सुभाषपा महासचिव अरुण राजभर का कहना है कि पार्टी में टूट की वजह अखिलेश यादव हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी खेल कर रही है और उनके नवरत्न लोग खेल कर रहे हैं, समाज देख रहा है कि 2022 में जिस तरह माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पूरी ताकत लगा करके समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में जिताने का काम किया और सिर्फ एक बयान दे दिया माननीय ओम प्रकाश राजभर की एसी से निकल करके कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहिए, ये उनको नागवार लगा और तभी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को तोड़ने की साजिश समाजवादी पार्टी ने करना। हर पल एक पार्टी बदलते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, कभी इधर कभी उधर, और सब पर लगा के किनारे हट जाते हैं। बहरहाल चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव पहले सुभाष बीते 5 दिनों में करीब 150 कार्यकर्ता सुभाषपा का दामन छोड़ चुके हैं। अब देखना होगा कि राजभर बिखरती हुई पार्टी को कैसे संभालते हैं। अपने बयानों से दूसरों का सरदर्द बढ़ाने वाले ओम प्रकाश राजभर का हेडेक कम होने का नाम नहीं ले रहा। महेंद्र राजभर के बाद अब आज मऊ में पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर पर ये आरोप भी लगे कि वो एमएलए का टिकट 6 करोड़ में बेच रहे थे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि अखिलेश यादव को उनका एसी वाला बयान इतना बुरा लग गया कि अब वो उनकी पार्टी में फूट डालने में लगे हैं। कैंसर नामवाला के साथ